नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सूचियों पर। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को जंतर मंतर की ओर कूच कर दिया। इन सांसदों में कांग्रेस से लेकर आरजेडी और तमाम दलों के सांसद शामिल रहे। बता दें कि जंतर मंतर पर किसानों की संसद जारी है। किसान संसद को देश की संसद की तर्ज पर ही लिया जा रहा है। इसमें शामिल सदस्य अपने सवाल स्पीकर बनाए गए शख्स के सामने रखते हैं और संसद में शामिल बाकी किसान इन सवालों के जवाब देते हैं। सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने के लिए आज भी विपक्षी दलों ने एक साथ बैठक की। संसद भवन में हुई इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, शिवसेना के संजय राउत के अलावा आरजेडी के मनोज झा बैठक के लिए पहुंचे। इसके अलावा भी बैठक में डीएमके, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना समेत कई पार्टियां शामिल हुईं। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारत में खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन आज से इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। बता दें, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का हॉकी में अविश्वसनीय योगदान रहा है। उनको भारत रत्न देने की भी मांग लंबे समय से हो रही है, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के परिवार को जाति सूचक गालियां देने वाले दो आरोपी भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने अर्जेंटीना से भारतीय महिला हॉकी टीम की हार पर उत्तराखंड में रोशनाबाद गांव में वंदना के घर के बाहर पटाखे जलाए और जब परिजन सामने आए तो जातिगत गालियां दी। सिडकुल पुलिस के अनुसार दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 65 किलोग्राम कैटेगरी में खेलने वाले बजरंग ने क्वार्टर फाइनल में ईरान के पहलवान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम कांस्य पदक नहीं जीत पाई, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया। ग्रेट ब्रिटेन की टीम को भारतीय टीम ने आखिरी वक्त तक टक्कर दी। हालांकि मैच को भारत 4-3 से हार गया, लेकिन भारतीय महिला टीम ने ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश कर पहले ही इतिहास में नाम दर्ज करा लिया था। भारतीय महिला हॉकी टीम इस बार पहली बार सेमीफाइनल में क्वालिफाई की थी। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे जाति आधारित जनगणना के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते थे। उन्होंने गुरुवार को कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगा था, लेकिन उन्हें इस पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। इससे पहले जेडीयू के एक सांसद को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से इनकार कर दिया गया था और कहा गया था कि उन्हें गृह मंत्री शाह से मिलना चाहिए। यह घटनाक्रम तब हो रहा है जब जाति आधारित जनगणना के लिए विपक्षी दल दबाव डाल रहे हैं। नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना को लेकर कहा कि जब बिहार विधानसभा ने जाति आधारित जनगणना के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा तो किसी भी बीजेपी विधायक ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने सवाल किया कि फिर कुछ हलकों से आपत्ति क्यों उठाई जा रही है, ये मेरी समझ से परे है। नीतीश ने कहा कि ये केंद्र पर निर्भर है कि वह जाति की जनगणना करें या ना करें। हमारा काम अपने विचार रखना है, ये मत सोचो कि एक जाति पसंद करेगी और दूसरी नहीं, ये सभी के। नीतीश ने कहा कि समाज में कोई तनाव पैदा नहीं होगा, खुशी होगी, हर वर्ग के लोगों को योजनाओं से लाभ मिलेगा। आर्थिक मोर्चे पर संकट से जूझ रही सरकार के सामने आगे और भी मुश्किलें आने वाली हैं। लोगों की नौकरियां खत्म होने की रिपोर्टों के बीच अब नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर जीडीपी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास दर IMF के हाल के 9.5% के अनुमान से भी नीचे 7% तक जा सकती है। RBI ने इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर जस का तस रखा गया है। इसके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट भी 4.25% पर रखा गया है। भारत में एक दिन में 44,646 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब देश में एक दिन में 40,000 से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हों। वहीं गुरुवार से आज तक 2,000 और अधिक मामले आए हैं। गुरुवार को जहां 42,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए तो आज 44,000 के पार हो गए हैं।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक गणेश मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तो मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर इस वाकये की कड़ी निंदा की और घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इमरान ने कहा कि उनकी सरकार इस मंदिर को फिर से बनवाएगी। ये वाकया बुधवार का है। वाकये का वीडियो सामने आने के बाद भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान के राजदूत को समन किया था और कहा था कि पाकिस्तान की सरकार अपने देश के अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए कदम उठाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।